रहे हैं, 25 बोल की चर्चा कर रहे हैं। 25 बोल में 14वां बोल है 9 तत्व का 115 भेद। तत्व है 9। सम्यक्त को सुरक्षित रखने के लिए, सम्यक्त को पोष्ट करने के लिए 9 तत्वों को जानना बहुत जरूरी है। तो 9 तत्व जीव अजीव पुण्य पाप आश्रव संवर निर्जरा बंध मोक्ष। आचार्य महाप्रज्ञ जी कहा करते थे, जो 9 तत्वों को जानता है वो अपने जीवन में कभी दुखी नहीं होगा। तो 9 तत्वों की चर्चा अपन कर रहे हैं, जीव अजीव की कर चुके, पुण्य की थोड़ी सी किए हैं, आज पुनः हम पुण्य की चर्चा करने जा रहे हैं। 2 प्रकार की आत्माएं, सिद्ध और संसारी, या हम कह सकते हैं जीव के 2 प्रकार, सिद्ध और संसारी। सिद्ध हम किसको कहते हैं, जो कर्मों से मुक्त हो गए हैं, जिनका जन्म मरण नहीं होता, जन्म मरण की परंपरा से जो मुक्त हो चुके हैं उनको कहते हैं हम सिद्ध। संसारी जो संसरण करते रहते हैं, संसरण यानी एक जन्म से दूसरे जन्म में, दूसरे से तीसरे जन्म में, ये जन्म मरण की जो संसरण होता रहता है उसको हम कहते हैं संसारी। जन्म और मृत्यु कब तक, जब तक व्यक्ति प्रवृत्ति करता रहेगा तब तक जन्म मरण होता रहेगा। प्रवृत्ति एक्टिविटी जो भी करते हैं, 2 प्रकार की प्रवृत्ति करता है, या अच्छा करता है या बुरा करता है, जिसे हम शुभ और अशुभ भी कहते हैं। अब इसको हम थोड़े व्यवहार में समझें। मार्केट से वस्तु लाते हैं आप, खाने के लिए कोई फल लेके आए, 2 प्रकार का आता है, कभी सड़ा गला भी आ जाता है और कभी अच्छा भी आ जाता है। तो शुभ अशुभ प्रवृत्ति किए आप, जो भी प्रवृत्ति किए, तो फल लाकर जैसे अंदर स्टॉक में आप रख दिए, एक समय बाद उसको आप बाहर निकालते हैं, तो बाहर आपने निकाला तो बाहर अपने आप भी आते हैं और जीव खींच करके भी उसको लेके आता है। तो सड़ा गला या अशुभ स्टॉक बाहर आता है उसको कहेंगे हम पाप, लाके रख दी है। जैसे आपने फल अंदर लाके रख दिया, कर्म को हमने लाके अंदर रख दिया, अंदर रख दिया तो वो एक समय बाद ऑटोमेटिक भी आ रहा है या हम उसको बाहर खुद भी लेके आते हैं, तो खींच करके भी लाते हैं, ऑटोमेटिक भी आता है। तो सड़ा गला या अशुभ स्टॉक जो बाहर आता है उसको कहेंगे हम पाप। फ्रेश या शुभ स्टॉक जो बाहर आया उसको कहते हैं हम पुण्य। तो जब तक संसारी पुण्य, जब तक संसार में है, इन 2 चीजों से जीव जुड़ा रहेगा, किससे, पुण्य और पाप से, चाहे वो एक इंद्रिय का जीव है चाहे वो पंच इंद्रिय का जीव है, सबके साथ दोनों चीजें जुड़ी हुई रहेगी, पुण्य और पाप। तो जो आत्मा को सुख या अनुकूलताएं देता है उसको कहते हैं पुण्य, और जो प्रतिकूलताएं देता है या दुख देता है उसको कहते हैं हम पाप। तो आज हम चर्चा करेंगे पुण्य की। प्रश्न होता है पुण्य का बंध कैसे होता है। हर व्यक्ति चाहता है मुझे सुख मिले, अनुकूलताएं मिले, पुण्य हो, तो पुण्य का बंध कैसे होता है। ठाणा सूत्र में पुण्य बंध के 9 कारण माने गए हैं, जिसको लगभग आप लोगों को पता है, अन्न पान लयन शयन वस्त्र मन वचन काय और नमस्कार। पहला है अन्न पुण्य। अन्न पुण्य किसको कहेंगे, मुनि को या जो संयमी है, जो पंच महाव्रती है, उनको आहार देने से, भोजन देने से जो शुभ कर्म बंधते हैं उसे हम अन्न पुण्य कह देते हैं। हम एक एक उदाहरण से 9 पुण्य को समझेंगे। भगवान महावीर के 27 भवों की बात करते हैं। पहला भव था नैसार का, जहां महावीर के जीव ने सम्यक्त को प्राप्त किया था, मुनि को शुद्ध भाव से उन्होंने दान दिया था। तो मुनि को शुद्ध भाव से दान दिया अन्न पुण्य का कारण बना, उन्होंने सम्यक्त की प्राप्ति की। साली भद्र की घटना पिछली बार अपन चर्चा किए थे। साली भद्र अपने पूर्व भाव में मुनि को, उसने वो बहुत दीन गरीब अवस्था में था, मुनि को उत्कृष्ट भाव से उसने खीर का दान दिया था। इतना उसने पुण्य अर्जन किया
प्रतिदिन देवलोक से 35 पेटियां आना और भी सारे सुख सुविधाओं का, जो राजा के पास वैभव जितना नहीं था, उन सारे सुख सुविधाओं को भोगना, सिर्फ और सिर्फ अन्न पुण्य पुण्य का इतना अर्जन किया, अन्न का दान देने मात्र से। दूसरा है पान पुण्य, पान यानी पेय पदार्थ। मुनि को पानी देने की शुभ प्रवृत्ति से बंधने वाले शुभ कर्म पुद्गलों को कहते हैं पान पुण्य। 22वें तीर्थंकर को देखें हम, भगवान नेमिनाथ अरिष्ट नेमी पूर्व भाव में शंख राजा थे और किसी मुनि को उन्होंने किसमिस का दाख का पानी उत्कृष्ट भावों से बहराया था, और वो उत्कृष्ट भावों से जो बहराया इतना उन्होंने पुण्य का अर्जन किया, तीर्थंकर गोत्र का बंधन सिर्फ एक बार वो किसमिस का पानी दाख का पानी जो दिया उसी से उन्होंने तीर्थंकर गोत्र का बंध कर लिया और आगे जाकर के वो 22वें तीर्थंकर बने। लयन पुण्य तीसरा है हमारा, लयन पुण्य। मुनि को स्थान मकान देने की शुभ प्रवृत्ति से बंधने वाले शुभ कर्म को, शुभ कर्म पुद्गल को हम कहते हैं लयन पुण्य। स्थान, लयन का मतलब हुआ स्थान मकान आदि देना। व्यवहार में हम घटना प्रसंग में जाएं, इतिहास में जाएं, मेघ कुमार का जीव जो राजा श्रेणी का पुत्र था, और संबोधि जो पूरी संबोधि हमारी हो चुकी है, मुनि मेघ और भगवान का संवाद जिसमें था। अब मेघ मुनि पूर्व भाव में जो हाथी के भाव में था वो, और उसने एक खरगोश को स्थान दिया था, स्थान दिया था। घटना लंबी है, लगभग आप लोग जानते हैं, खुद का प्राणांत हो गया, लेकिन इतनी उत्कृष्ट दया। अब देखिए, स्थान दिया, दया का भाव, राजकुमार बना, मुनि बना, आज वो सर्वार्थ सिद्ध अंतिम 26वें देवलोक में है। एका भवतारी, आने वाले भव में मोक्ष, आने वाले समय में मोक्ष जाएगा। तो एक सांसारिक खरगोश के प्रति भी स्थान दिया और दया का भाव इतना उसका सारा हुआ, तो एक साधु को कहते हैं स्थान आदि देना, ये उत्कृष्ट निर्जरा का कारण बनता है। चौथा है शयन पुण्य। मुनि को सोने बैठने के लिए पाट बाजोट आदि देना। जयंती श्राविका की कई बार चर्चा करते हैं, शतानिक राजा की बहिन थी जयंती श्राविका। जयंती श्राविका देखिए, जिनका खुद भगवान उल्लेख करते हैं, 12 व्रती थी, महीने में 5 तिथियों में वनस्पति का त्याग था, जमीकंद का त्याग था, और दोनों समय प्रतिक्रमण आदि भी करती थी। और भगवान जब उसके गांव में पधारे थे, भगवान के साथ इतने साधु थे, उसने सबको जितनी अपने पास अनुकूलता थी उसने पाट बाजोट आदि उत्कृष्ट भाव से बहराया था, तो अनंत पुण्य का उसने अर्जन किया था, तो शयन पुण्य। और पांचवा है वस्त्र पुण्य। मुनि को वस्त्र देने की शुभ प्रवृत्ति से बंधने वाला शुभ कर्म। भगवान ऋषभ देव पूर्व भाव में जीवानंदा नामक वैद्य थी, और कहते हैं एक बार किसी मुनि को कुष्ठ रोग हो गया, तो जीवानंदा वैद्य के पास उपचार के लिए जो साधन चाहिए, जो जीवानंदा वैद्य था उत्कृष्ट कोटि का वैद्य था, बहुत ज्ञानवान था, तो जो साधन चाहिए उसके पास नहीं था। गोचिष चंदन और रत्न कंबल लाखों खर्च करके भी उसे खरीदने के लिए तैयार था, आर्थिक स्थिति उसकी नहीं थी, लेकिन मकान तक बेचना इतने उसके उत्कृष्ट भाव थे कि कैसे मैं साधु का उपचार करूं। गांव में कोई सेठ था, नाम था वर्धमान सेठ, पता चला उसको बिना मूल्य निःशुल्क, बिना मूल्य उसने उत्कृष्ट भावों से वो रत्न कंबल और गोचिष चंदन बहराया। अब देखिए, इतने उत्कृष्ट भाव से वो वस्त्र जो दान दिया, उसके कारण वो उसी भाव में मोक्ष चला जाता है। तो जीवानंदा वैद्य भी निस्वार्थ भाव से मुनि की सेवा करते हैं। छठा है हमारा मन पुण्य। मन की शुभ प्रवृत्ति से, तीन की व्यक्ति प्रवृत्ति किससे करता है, मन वचन और काया, तीन उसके प्रवृत्ति के साधन होते हैं।
तो मन पुण्य मन की शुभ हम सोचते हैं, शुभ प्रवृत्ति से बंधने वाले शुभ कर्म को मन पुण्य कहते हैं। जैसे प्रसन्न चंद्र राजसी, प्रसन्न चंद्र राजसी मोक्ष गए, कारण क्या बना बहुत बार चर्चा करते हैं, मैं घटना प्रसंग में नहीं जाती हूँ। मोक्ष गए सिर्फ और सिर्फ भावों में इतनी निर्मलता आई तो वो उनका केवल ज्ञान का कारण बन गया। तो मन की शुभ प्रवृत्ति और वचन पुण्य, वचन की शुभ प्रवृत्ति से बंधने वाला शुभ कर्म, जैसे श्री कृष्ण वासुदेव, जो भी वासुदेव होते हैं नियमा से वो नरक, नियमा से दीक्षा नहीं लेते हैं, अब दीक्षा नहीं ले सकते। भगवान अरिष्टनेमी जब द्वारिका पधारे थे और जैसे ही श्री कृष्ण को धार्मिकता, उत्कृष्ट धर्म के प्रति उत्कृष्ट भावना थी, पता चला कि मैं दीक्षा नहीं ले सकता हूँ, बहुत दुखी हुई। लेकिन साथ ही साथ देखिए दलाली पिंडाणम तारियाणम की जो बात करते हैं, साथ में उसने सोचा अरे मैं नहीं ले सकता लेकिन मैं दलाली तो कर सकता हूँ। पूरे नगरी में घोषणा करवा दी, जो भी दीक्षा लेना चाहे आगे पीछे का कुछ मत चिंता करो, किसी के वृद्ध माँ बाप है मैं सेवा करूंगा, किसी के सिर पे कोई कर्जा है वो भी मैं करूंगा, किसी के कोई संतान का पालन पोषण करने वाला नहीं है वो भी मैं करूंगा, किसी का घर का खर्च चलाना है वो मैं करूंगा, जो भी किसी के आगे पीछे की कोई चिंता, आगे पीछे की समस्या के कारण यदि दीक्षा नहीं ले पा रहा है तो सब की सब आप लेने के लिए तैयार हो जाओ, उनकी सारी जिम्मेदारी और अंतिम समय तक वो मैं करूंगा। देखिए हजारों लोगों ने दीक्षा ली तो शुभ वचन से सबको आश्वासन दिया, इतनी दलाली से तीर्थंकर गोत्र का बंध कर लिया। तो वचन पुण्य, वचन का शुभ पुद्गल का प्रयोग करना, अनंत पुण्य का अर्जन कर लिया। काय पुण्य, शरीर की शुभ प्रवृत्ति से बंधने वाले शुभ कर्म को वचन काय पुण्य कहते हैं। अर्जुन माली, इसकी भी चर्चा अपन कर चुके हैं, करते भी जाते हैं। अर्जुन माली प्रतिदिन 6 पुरुष और 1 स्त्री की हत्या करता था और सुदर्शन श्रावक का योग मिला। निमित्त का देखिए कितना प्रभाव होता है। सुदर्शन श्रावक का योग मिला, भगवान के पास दीक्षित हुआ और काया का सदुपयोग किया, यही काया बंधन का कारण बनता है। तो यही काया निर्जरा का कारण बन जाता है। काल सौकरी जो मरकर के साथ में नरक गया और कहां अर्जुन माली ने काया का सदुपयोग किया, 6 महीने में इतना बांधा हुआ कर्म सारे की सारे की निर्जरा कर ली और उसी भाव में मोक्ष चला गया। तो काया से उसने पुण्य का अर्जन किया। नमस्कार पुण्य, मुनि को नमस्कार करने की शुभ प्रवृत्ति से बंधने वाले शुभ कर्म पुद्गल को नमस्कार पुण्य कहते हैं। भगवान ऋषभ अपने 100 पुत्रों को राज्य सौंप करके दीक्षा ली। भरत ने अपने 98 भाइयों का राज्य छीन लिया। अब वो भरत भगवान के पास जाकर के दीक्षित हो गए। बाहुबली से युद्ध हुआ, बाहुबली राज्य देने को तैयार नहीं था, घटना पता है, भरत को मारने के लिए हाथ उठाया था, भगवत को मारा नहीं, स्वयं अपना केस लोच कर लिया। भगवान के पास नहीं गया, किसलिए नहीं गया, मुझे मेरे 98 जो भाई हैं, जो मेरे से उम्र में छोटे हैं, उनको वंदना करनी पड़ेगी। जो परंपरा है उम्र से भले वो माँ भी बेटी पहले दीक्षा ली हुई और माँ बाद में लेती है तो माँ उसको वंदना करेगी जो दीक्षा पर्याय में बड़ा है सामने वाला। उसने सोचा अरे मुझे वंदना करनी पड़ेगी। 12 महीना तक कायोत्सर्ग में स्थित रहा, पक्षियों ने घोषणा बना लिया, चींटियों ने बांबी बना ली, हिले नहीं डुले नहीं। निमित्त का फिर यहाँ हम प्रभाव देखें। ब्राह्मी और सुंदरी जिनके प्रतिबोध से प्रतिबुद्ध हुए, मन में क्या विकल्प आया, जाता हूँ भगवान के पास, भाइयों को भगवान से मैं दीक्षित होऊंगा, भाइयों को वंदना करूंगा। देखिए मात्र नमस्कार का भाव आया, गए नहीं है, विकल्प आया है, भगवान के पास नहीं गए थे
भाइयों को कौन वंदना करी। जैसे ही विकल्प आया, जाता हूँ और भाइयों को वंदना करूंगा, सिर्फ पैर मोड़े हैं, चलना स्टार्ट नहीं किया और हो गया केवल ज्ञान। नमस्कार पुण्य, चाहे हम श्री कृष्ण को ही दें। श्री कृष्ण भगवान अरिष्टनेमी जब पधारे थे द्वारिका नगरी में, और उसने एक एक साधु को 3 बार उठ बैठ करके वंदना की। अब 3 बार उठ बैठ करके वंदना करना सोच सकते हैं अपन, साथ में थे भगवान के 18,000 साधु। इतना थका, इतने थके श्री कृष्ण जी आकर के भगवान से कहा, भगवान आज तक मैं इतना नहीं थका हूँ, बड़े बड़े युद्ध किए, सब कुछ किया, लेकिन जितनी थकान मुझे आज आई है, आज तक कभी नहीं आई। भगवान ने कहा, श्री कृष्ण जितनी निर्जरा तुम्हारी आज हुई है, इससे पहले इतनी निर्जरा कभी हुई नहीं। और जो नरक की भी बात बोलते हैं, श्री कृष्ण ने कहा, अरे मैं अभी जाकर के फिर से करता हूँ। भगवान ने कहा, अभी नहीं होगा, जो उत्कृष्ट भाव उस समय थे वो अभी नहीं हो पाएगा। खैर, कारण हम बता रहे हैं कि नमस्कार पुण्य, नमस्कार से व्यक्ति कितने कर्मों की निर्जरा कर लेता है। तो प्रश्न हो सकता है, अभी हम बात कर रहे हैं अन्न पान लयन शयन वस्त्र, सारा की सारा साधु के साथ जुड़ा हुआ है, और व्यवहार में आप व्यवहार में जो भी देखा जाता है, किसी को कुछ देना पुण्य का कारण माना जाता है। प्रश्न होता है, एक संयमी या मुनि को देने से ही पुण्य का अर्जन क्यों होता है? संयमी के सावध्य योग का, सावध्य योग यानी पापकारी प्रवृत्ति का सर्वथा त्याग होता है, तो उनको देना उनके निर्वध्य कार्य में सहयोगी बनना है, और निर्वध्य कार्य में सहयोगी बनना वो निर्वध्य ही है, तो निर्वध्य क्रिया में पुण्य का ही बंध होगा, वहां पाप का नहीं होगा। और जो असंयमी है या जो सांसारिक है, सांसारिक जीवों की हर क्रिया सावध्य होती है, तो सांसारिक का पोषण करना असंयम की अनुमोदना करना है, सहयोग है। पुण्य का वहां वो केवल सहयोग है, पुण्य का बंध नहीं होता या उसको धर्म नहीं मानते हैं। शुभ प्रवृत्ति मात्र पुण्य, तो एक प्रश्न होता है, क्या ये 9 ही पुण्य बंध के कारण है? जितने भी शुभ प्रवृत्ति है, प्रवृत्ति शुभ प्रवृत्ति मात्र पुण्य बंध का कारण बनता है, और जो हम 9 की भी बात कर रहे हैं उसमें सारे प्रवृत्ति समाहित तो हो जाते हैं, क्योंकि प्रवृत्ति व्यक्ति करता है मन वचन और काया से, तो मन वचन काया जो भी करेंगे, या मन से करेंगे या वचन से करेंगे या काया से करेंगे, तो ये 9 पुण्य में सारी प्रवृत्ति समाहित हो जाती है। तो जहां जहां शुभ प्रवृत्ति है वहां वहां निर्जरा होगी ही होगी, अशुभ की निर्जरा और शुभ का बंध साथ साथ चलेगा। अब साथ साथ कैसे चलेगा? एक व्यक्ति धान बोता है, धान लगभग सब जानते हैं, जो चावल चावल होता है, तो धान के पीछे तूड़ी होती है। कोई भी समझदार व्यक्ति शायद उस भूसी के लिए, ऊपर के छिलके के लिए धान नहीं बोता, लक्ष्य होता है चावल, लेकिन जहां जहां चावल होगा वहां वहां तूड़ी होगी ही होगी, छिलका होगा ही होगा। वैसे ही पुण्य का बंध अलग से नहीं होता, जहां जहां व्यक्ति निर्जरा करेगा शुभ योग करेगा, निर्जरा और पुण्य साथ में होगी, क्रिया दो ही होती है, या शुभ या अशुभ, तो शुभ से निर्जरा होती है, और जहां निर्जरा है वहां पुण्य का बंध होगा, अशुभ से पाप का बंध ही होगा। और साथ में देखिए, अशुभ से किसी ने प्रश्न पूछा कि पुण्य की भी निर्जरा होती है क्या? निर्जरा शब्द का प्रयोग हम पाप के लिए ही करते हैं, लेकिन जहां जहां अशुभ प्रवृत्ति है पुण्य तो वहां खत्म हो ही रहा है। 2 शब्द है, उदय क्षय और क्षोभ। जहां जहां उदय भाव है, जैसे 8 कर्मों का उदय निरंतर चालू है, तो जहां जहां उदय है वहां वहां कर्म का बंधन होगा ही होगा। ज्ञानावरणी कर्म का उदय है, ज्ञानावरणी कर्म का बंध निश्चित रूप से होगा, जिस कर्म का उदय है उसका बंध होगा ही होगा। और योग जहां जहां है, अब योग
अब जैसे अपन एक चीज लेते हैं ना, योग मन वचन काया की जो प्रवृत्ति की बात कर रहे हैं, जो उदय है, आठ कर्म का उदय निरंतर रहता है, योग नाम कर्म का उदय भाव है। तो योग कब, योग अशुभ कब बनता है? जब मोहिनी का उदय जुड़ जाता है। तो जहां जहां उपशम क्षय या क्षोभशम जुड़ेगा वहां वहां निद्रा। शुभ प्रवृत्ति में नाम कर्म का उदय भाव तो होता है और मोहिनी कर्म का क्षय क्षोभशम भाव है, साथ में अंतराय कर्म का क्षय क्षोभशम भाव है। अतः प्रवृत्ति एक ही है, प्रवृत्ति एक है, निर्जरा भी है, पुण्य भी है। शायद आप समझ गए हैं, मैं वापस एक बात कह रही हूँ। जहां जहां उदय है वहां वहां बंध है, जहां जहां उदय वहां वहां बंध। हम जो भी प्रवृत्ति कर रहे हैं, प्रवृत्ति दो करते हैं, मन वचन काया की, या शुभ या अशुभ। नाम कर्म का उदय भाव है प्रवृत्ति, जो हम कर रहे हैं वो नाम कर्म का उदय भाव है। उदय भाव में बंध होगा। यदि वो शुभ, जो हमारी प्रवृत्ति है शुभ है तो शुभ का बंध होगा, अशुभ है तो अशुभ का बंध होगा। तो मोहिनी यदि जुड़ गया तो अशुभ का बंध होता है, और मोहिनी नहीं जुड़ा है तो शुभ का बंध होगा। शुभ का बंध यानी पुण्य का बंध होगा ही होगा। शायद मेरे ख्याल से समझ गए होंगे, नाम कर्म का उदय भाव है इसलिए पुण्य का बंध साथ साथ में होगा ही होगा। अब इसको उदाहरण से लें। आपने साधु को वंदना की, वंदना की किससे किया? काया से आप झुक रहे हैं, तो काया से जो प्रवृत्ति आप कर रहे हैं, तो झुकना ये क्रिया कर रहे हैं, ये नाम कर्म का उदय भाव है। जो भी शरीर मन वचन काया से जो भी क्रिया कर रहे हैं वो कर्म का उदय भाव है। तो मन वचन काया का हमने प्रयोग किया, झुके आप, तो नीच गोत्र का क्षय हुआ। बंध किसका हुआ? देखिए, निर्जरा हुई, अशुभ की निर्जरा हो रही है। अशुभ क्या है? नीच गोत्र का क्षय हो रहा है, और प्रवृत्ति हमारी जो हो रही है उससे उच्च गोत्र का बंध हो रहा है। उच्च गोत्र का बंध क्योंकि वो शुभ प्रवृत्ति का, शुभ प्रवृत्ति कर रहे हैं। तो एक ही कर्म निर्जरा का भी कारण बनता है और पुण्य बंध का भी कारण बनता है। सिर्फ एक स्थान ऐसा है जहां पर सिर्फ निर्जरा होती है, पुण्य का बंध नहीं होता, और वो होता है मात्र चौदहवें गुण स्थान में। किसी ने किसी को भौतिक सहयोग किया, अब भौतिक सहयोग किया, आपने कहीं डोनेशन दिया, किसी को अन्न दान दिया, कुछ भी किया, भौतिक सहयोग दिया, अब देखिए उसे क्या होगा? अगले जन्म में उसके द्वारा अनुकूल सहयोग मिल सकता है। और कई बार ऐसी क्रिया को लोग पुण्य मान लेते हैं, लेकिन ये पुण्य नहीं है। असंयमी को भौतिक सहयोग देना उसके साथ रागात्मक अनुबंध का निमित्त बनता है। किसी को भी दिया आपने, दिया तो असंयमी को जो दिया आपके प्रति, उसके भीतर एक रागात्मक बंध होने की बहुत संभावना रहती है। तो असंयमी रागात्मक जो अनुबंध हुआ, सहयोग असहयोग की श्रृंखला लंबी होती चली जाएगी, जन्म जन्मांतरों में वो क्रम चलता ही रहेगा। तो राग का अनुबंध भी पुण्य की तरह लगता है, अनुकूलता की अनुभूति करा देता है, लेकिन ध्यान रहे 18 पाप में राग स्वयं एक पाप है, तो उससे पाप का ही बंधन होता है, पुण्य का बंध उससे नहीं हो सकता। तो जो पुद्गल वर्गणा है वो एक ही होते हैं, और अंदर जा करके शुभ और अशुभ उसमें बदल जाते हैं। कई बार मन में आता है कि ये शुभ अशुभ हम कैसे कह रहे हैं, क्या पुद्गल अलग अलग होते हैं? लेकिन कर्म वर्गणाएं सारे एक जैसे ही हैं, अंदर जा करके हमारी जैसे भाव है उसके अनुसार वो बदल जाते हैं। धर्म और पुण्य की भी अपन बात कर रहे थे, अक्सर लोग धर्म और पुण्य को एक मान लेते हैं, जबकि दोनों अलग अलग हैं, एक नहीं है। क्यों नहीं है, कैसे नहीं है? धर्म तो जीव है,
इसको हम धर्म कहते हैं। आपने सामायिक की ये वाक का संवर, तो संवर धर्म है। धर्म के दो रूप कहते हैं अपन, संवर और निर्जरा। तो संवर और निर्जरा ये आत्मा के परिणाम है, जबकि पुण्य अजीव है। पुण्य हम किसको कह रहे हैं? शुभ कर्म पुद्गलों को पुण्य कहते हैं। शुभ कर्म पुद्गलों को, इसका मतलब वो जड़ है, निर्जीव है, और धर्म वो हुआ आत्मा का परिणाम। तो धर्म की इच्छा करना भी निर्जरा का कारण बनता है, और पुण्य की इच्छा करना इसका मतलब सांसारिक सुखों की इच्छा है। तो सांसारिक सुखों की इच्छा स्वयं में पाप ही है। पुण्य के लक्ष्य से कोई क्रिया व्यक्ति कर रहा है, लक्ष्य से नहीं करना चाहिए, क्योंकि पुण्य बायो प्रोडक्ट तो होगा ही होगा, जैसे धान के पीछे तूड़ी होती है। और जब पुण्य का उदय होता है, व्यक्ति को किस किस रूप में फल देता है? बहुत सारी उसको पदवियां मिलेगी। कौन कौन सी पदवी मिलेगी? तीर्थंकर, चक्रवर्ती, वासुदेव, बलदेव, राजा, ये जितने भी बड़े बड़े पोस्ट हैं मानवीय मनुष्य के लोक में, वो सारी पुण्य के कारण मिलता है। देवलोक में देखिए, हम देवेंद्र, इंद्र बनना, अहम इंद्र बनना, ये सारा पुण्य के कारण मिलता है। और व्यवहार प्रैक्टिकल दृष्टि से देखें, सांयोगिक सुख प्रिय जनों से, बहुत बार आपको लगता है अरे इतने वर्षों से इच्छा थी अमुक से मिलने की, अचानक से मिलाप हुआ। ये मिलाप क्या है? ये पुण्य के कारण प्रिय जनों से मिलना, जो भी आप भौतिक सुख सुविधा की कामना करते हैं। शारीरिक स्वस्थता भी पुण्य के कारण। दास दासी, नौकर चाकर, कई बार देखते हैं एक बहुत पैसा देते हैं तो भी उनको कोई घर में काम करने के लिए हेल्पर नहीं मिलते हैं। और एक व्यक्ति के पास भले वो मालकिन अच्छी तरह से नहीं भी रखती, हमने ऐसे ऐसे लोगों को देखा, नहीं रखने के बावजूद भी ऐसा लगता है कि उसके आसपास चारों तरफ तो नौकर चाकर खड़े ही रहते हैं। ये भी एक प्रकार का पुण्य है। सुख संपदा समृद्धि सारे पुण्य के कारण मिलते हैं। 9 प्रकार का जो परिग्रह की बात करते हैं, क्षेत्र स्थान आदि मिलना, वस्तु का मिलना, सोना चांदी धन धान्य, द्विपद चतुष्पद जो अपन जानवर आदि हैं, कुंभी का मिलना, ये सारा पुण्य का प्रकार है। मतलब पुण्य से मिलने वाली सुविधाएं हैं। अच्छी स्त्री का मिलना, विनयी स्त्री, सुशील का, उसका विनम्र होना, सुंदर होना, ये सारा भी पुण्य के कारण मिलता है। उत्तम संतान का प्राप्त होना, पारिवारिक जो भी सुख सुविधाएं हैं, खुद का अच्छा व्यक्तित्व या रूपवान शरीर, श्रेष्ठ वर्ण, मधुर भाषा, ये सारा की सारा पुण्य के कारण। और यहाँ तक देखिए, जो अपन बात कर रही हैं अहम इंद्र या देवेंद्र की बात कर रहे हैं, सागरोपम पल्लयोपम, यानी इतना इतना लंबा जो देवताओं का दिव्य सुख है, वो सारा भी व्यक्ति को पुण्य के कारण ही मिलता है। अब हम जाएं 8 कर्मों में, एक एक कर्म पर जाते हैं। तो 8 कर्मों में जाएं, पुण्य कितने प्रकार से भोगा जाता है? 42 प्रकार से पुण्य को भोगा जाता है। 8 कर्म में 4 कर्म को हम एकांत पाप रूप ही मानते हैं, जिसको 4 घाती कर्म भी कहते हैं। कौन कौन से? ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, मोहनी, अंतराय, ये 4 तो एकांत पाप ही है। बाकी जो 4 हैं कौन से? वेदनी, आयुष्य, नाम, गोत्र, ये 4 कर्मों को अघाती बोलते हैं। आत्मा के मूल गुणों का जो घात करता है उसको घाती, और जो मूल गुणों का घात नहीं करता उसको अघाती कहते हैं। तो ये 4 कर्म पुण्य और पाप दोनों माने गए हैं। सबसे पहले ने हम वेदनी कर्म, वेदनी कर्म के 2 प्रकार हैं, साता वेदनी और असाता वेदनी। तो साता वेदनी, तो साता वेदनी पुण्य की प्रकृति है। हम बात कर रहे हैं 8 कर्मों में 42 प्रकृतियां जो पुण्य प्रकृति मानी गई है। वेदनी कर्म की 1 प्रकृति साता वेदनी, आयुष्य की 3 देव, शुभ देव आयुष्य, शुभ मनुष्य आयुष्य, और तिर्यंच। तिर्यंच भी किसको माना गया है? जो यौगलिक तिर्यंच होते हैं, तो 3 ये। और नाम कर्म की 37 प्रकृति, 37 प्रकृतियां, गोत्र कर्म की 1 उच्च गोत्र। तो ये 37 प्रकृतियां व्यक्ति के
42 प्रकृतियां व्यक्ति के पुण्य पुण्य की प्रकृतियां हैं। सात वेदनी में साता सुख के छह प्रकार माने गए हैं। आठ प्रकार से इसको भोगा जाता है। कैसे? मनोज्ञ शब्द, मनोज्ञ रूप, मनोज्ञ रस, मनोज्ञ गंध, मनोज्ञ स्पर्श, मन सुख, वचन सुख और काय सुख। इस प्रकार ये आठ प्रकार से वेदनी कर्म को भोगा जाता है। उसका खुद का शब्द भी मनोज्ञ होगा, दूसरा भी उसके साथ उस प्रकार का जैसा वो चाहेगा वैसा मिलेगा। पहले तो खुद का ही शब्द रूप रस गंध और स्पर्श, ये सारा की सारा मनोज्ञ होगा। मन सुख, मन से उसको सुख की अनुभूति होती रहेगी। वचन सुख, अब जैसे हम एक बार इसमें जाते हैं साता वेदनी में, व्यक्ति के पास सारी अनुकूलताएं हैं, कमी कुछ भी नहीं है, अंतराय कर्म का प्रबल सूक्ष्म है, उसके बावजूद भी आपके मन में कहीं ना कहीं जो एक मानसिक प्रसन्नता होनी चाहिए उसकी अनुभूति नहीं हो रही है। कारण क्या है? कमी कुछ भी नहीं, पति अच्छा, बच्चे अच्छे, घर है, सब अनुकूलताएं हैं, सुख सुविधाओं का अंबार है, उसके बावजूद भी प्रसन्नता नहीं है। कारण क्या है? साता वेदनी का अभाव है। तो साता वेदनी से ही व्यक्ति को सुख की अनुभूति होगी। तो बात हम कर रहे हैं साता वेदनी किस किस रूप में भोगता है व्यक्ति। इस प्रकार आठ प्रकार से साता वेदनी को भोगता है। आयुष्य, आयुष्य जो पुण्य की बात कर रहे हैं हम, शुभ आयुष्य, शुभ देव, शुभ मनुष्य और शुभ तिर्यंच, जो यौगलिक तिर्यंच को लिया गया है। नाम कर्म को ले जो 37 प्रकृतियों की बात कर रहे हैं। तो चार गति, गति जैसे अपन जाते हैं गति, गति में देखिए चार गतियां हैं। चार गतियों में दो पुण्य प्रकृति है, शुभ देव गति, जिस कर्म के उदय से देव भव की प्राप्ति का कारण बनता है और जो सुख बहुल ही होता है। शुभ मनुष्य गति, ये भी पुण्य का कारण बनता है। जाति में जाए हम तो पंचेंद्री, पांच जो जातियां हैं उनमें शुभ पंचेंद्री जाति नाम। तो ऐसे 37 में यदि आपको नाम सुनना है तो मैं बता देती हूँ। औदारिक, शुभ औदारिक नाम, शुभ वैक्रिय नाम, शुभ आहारक नाम, शुभ तेजस नाम और शुभ अंगोपांग नाम, शुभ औदारिक अंगोपांग नाम, शुभ वैक्री, शुभ संगनन में जाए तो छठा जो अपना है शुभ वज्र ऋषभ नाराज संगनन, संस्थान में जाए तो शुभ चतुरस्त संस्थान, अच्छा वर्ण का मिलना, अच्छा गंध का मिलना, अच्छा स्पर्श का मिलना, अच्छा रस का मिलना, ये सारा शुभ त्रस नाम, त्रस और बादर में भी जाए। ऐसे 37 ये प्रकृतियां जो व्यक्ति के नाम शुभ पुण्य के कारण व्यक्ति को मिलता है। गोत्र कर्म में जाए तो उच्च गोत्र की आठ जो विशेषताएं हैं, जाति की विशिष्टता, कुल की विशिष्टता, बल की विशिष्टता, शारीरिक रूप से कोई बलवान नहीं है, शक्तिहीन है, ये भी उसका कर्म का उदय है। और शक्ति होना ये उच्च गोत्र का पुण्य का कारण है। तो अच्छा रूप का होना, तप आदि का कर पाना, लाभ होना, ज्ञान होना, ऐश्वर्य होना, ये सारे उच्च गोत्र की आठ जो विशेषताएं हैं वो व्यक्ति को पुण्य से प्राप्त होता है। तो इस प्रकार 42 प्रकारों से पुण्य को भोगा जाता है। और बंद पर जा रहे हम, नौ कारणों की चर्चा तो किए ही हैं। तो चार अघाती जो कर्म है, तो चार अघाती कर्म में अभी जो बात अपन कर रहे हैं कि जो पुण्य की प्रकृति माने गए हैं उनको बांधने का कारण बहुत बार चर्चा कर चुके हैं। मनुष्य आयुष्य का बंध व्यक्ति करता कैसे है, जब जब भी उसके भीतर विनय भाव है, दया भाव है, ईर्ष्या नहीं है और मृदुता का भाव है। आज आप हम सब मनुष्य हैं और इसका मतलब है कि जिस समय हमारे पिछले भाव में आयुष्य का बंध हुआ है, इन चार कारणों में कोई ना कोई कारण तो रहा ही है। या तो उस समय हमारे में विनय रहा है, या दया का भाव रहा है, या अमात्सर्य ईर्ष्या का भाव नहीं रहा है, या प्रकृति से व्यक्ति जब भद्र होता है तो, और आयुष्य बंध के समय इस प्रकार के भाव है, वो व्यक्ति मनुष्य आयुष्य का बंध करेगा। सात वेदनी का बंध कैसे करता है,
प्राण भूत जीव और सत्व जितने भी जीव हैं, एक इंद्रिय से लेकर के पंच इंद्रिय तक, उनको जो कष्ट नहीं देता। अब आप बोलेंगे कष्ट तो हमेशा कौन दे रहा है? कष्ट हमेशा नहीं देते, ठीक है, जब जब अवसर आ रहा है और आपके भीतर यदि दया का भाव बोल रहा है, उस समय व्यक्ति सात वेदनी का बंध करता है। आप चुपचाप बैठे हैं, आप न चल रहे हैं न खा रहे हैं, उस समय आप किसको दुख न देना। हम बोल रहे हैं सात वेदनी का बंध कैसे होता है, दुख न देना, दीन नहीं बनाना, किसी को रुलाना नहीं, किसी को परितापित नहीं करना, शोक पैदा नहीं करना, तो ये सारे सात वेदनी कर्म बंध के कारण बन जाते हैं। और देव आयुष्य का सराग संयम संयमा संयम बाल तपस्या अज्ञानी की तपस्या अकाम निद्रा, ये देव आयुष्य का बंध का कारण बनता है। तो बंध हम बात करें नाम कर्म का बंध, ये पुण्य का बंध कैसे होता है, और नाम कर्म का जो बंध होता है, काया की रिजुता, भाव की रिजुता, भाषा की रिजुता, रिजुता यानी सरलता, तो ये सारा कथनी करने की एकता। एक ये बात व्यवहार में भी ध्यान देने की बात है, मतलब हमने मुंह से कुछ कह दिया तो प्रयास रहे कि हम उस चीज को करने का लक्ष्य रहे, और बाई चांस उसको बदलना भी पड़ रहा है तो पहले से हम इन्फॉर्म करें कि इन परिस्थितियों के कारण हमको ये करना पड़ रहा है। भीतर से किसी प्रकार की कुटिलता नहीं होनी चाहिए, कहा कुछ और किया कुछ। तो मन वचन और काया की डायरेक्शन यदि एक होता है, वहां वहां निर्जरा हो ही रही है। शुभ में धर्म कथा, हाँ गोत्र, गोत्र आठ चीजों का जो अक्सर अपन बोलते हैं उसका मद नहीं करना, ये सारे पुण्य बंध के कारण बनते हैं। यहाँ 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 व्यक्ति निर्जरा करता है। भगवान गौतम स्वामी ने भगवान से पूछा, धर्म कथा से जीव क्या प्राप्त करता है? आज ही शिल्पा जी बोल रहे थे, उन्होंने कहा कि समी जी आप इतना देने का लक्ष्य रहता है कि कितना दे सके। मैंने एक बात कही, मैंने कहा कि भाई जब हम आपके घर जाते हैं, आपके किसी के विश्रावकों के घर जाते हैं, चाहे आहार का टाइम है या नहीं है, जैसे ही साधु को देखते हैं, देखने के साथ मन में क्या भाव आता है, समी जी ये ले लो, समी जी वो ले लो, समी जी कितना मन में हजारों चीज विकल्प आ जाता है कि मैं हम साधु को क्या दे सकते हैं। तो जब मैंने दीक्षा ली तब एक विकल्प आया, अरे गृहस्थ के घर कभी चले जाओ, श्रावकों के घर कभी मुंह से ये नहीं कहते समझ जी अभी हमारा आहार बना नहीं है, भोजन बना नहीं है। मैंने कहा जब वो उदारता रखते हैं तो पहले दिन ही संकल्प किया था कभी भी देने में कमी नहीं रखेंगे, कोई भी व्यक्ति पास में आ जाएगा उसको खाली नहीं भेजेंगे, कुछ ना कुछ देंगे, जैसे आप देते हैं, हम नया कुछ नहीं कर रहे, आप लोगों से ही सीखते हैं। तो धर्म कथा भगवान ने कहा, और मैं आचार्य जी की भी बात बोलूं, जैसे आचार्य जी बिहार कराते हैं, बिहार कराते हैं तो कई बार ऐसा होता है जाने के साथ ही आचार्य जी प्रवचन दिलाते हैं, भले 5 आए 10 आए। एक बार ऐसा हुआ एक भी कोई नहीं आए थे, तो आचार्य श्री ने महाप्रज्ञ जी ने महासमण जी से कहा था तुम बोलना शुरू कर दो, लोग अपने आप आना शुरू हो जाएंगे। देखिए बोलना शुरू कर दो, लोग आना शुरू कर जाएंगे। तो आश्चर्य हुआ कि एक भी व्यक्ति नहीं है। तो महाप्रज्ञ जी कहा करते थे कोई सुने न सुने, धर्म कथा कर रहा है उसकी निजरा तो हो ही रही है। तो गौतम स्वामी ने भगवान से पूछा धर्म कथा से जीव क्या प्राप्त करता है। हम पुण्य की जो बात कर रहे हैं उसमें बता रही हूँ, भगवान ने दो बातें कही, एक तो कर्मों की निर्जरा तो करता ही है, दूसरा भविष्य में कल्याणकारी फल देने वाले कर्मों का अर्जन भी करता है, तो ये पुण्य का कारण बनता है। वैयावृत्त तीर्थंकर गोत्र बंध का बहुत बड़ा कारण है सेवा करना, तो ये सारे पुण्य बंध के कारण बनते हैं। अब बात ये देखिए, नेगेटिविटी के तरफ ले जाने वाला पुण्य भी, वो भी खराब होता है, चाहे वो पाप है चाहे पुण्य है। यदि हमारी दिशा को डायरेक्शन को गलत बना रहा है तो वैसा पुण्य भी खराब है और पाप भी खराब है। लेकिन कई बार पाप का उदय भी व्यक्ति के पुण्य का कारण बन जाता है। इतिहास की घटना आप लोगों को सुनते हैं, कई बार सुनते हैं, अनाथी मुनि, अनाथी मुनि दीक्षित हुआ, दीक्षा का कारण क्या बना?
शारीरिक वेदना इतनी भयंकर वेदना थी, वही उनके सुख सुविधाओं का अंबार था। लेकिन देखा कोई न वैद्य ठीक कर पा रहा है, न कोई पारिवारिक जन उस समय ठीक कर पा रहा है। उन्हें कहा वो पाप का उदय उनके पुण्य का कारण बन गया, वो दीक्षित हो गए। हरि केसी चांडाल रूप से बिल्कुल इतने भद्दे थे, जहां जाते थे लोग उनको चिढ़ाते थे। पाप का उदय था, चांडाल जाति में थे, रूप से कुरूप थे, लेकिन इतनी मुनि बन करके इतनी उन्होंने निर्जरा की, देवता उनकी सेवा में 24 घंटा रहते थे। पाप का उदय पुण्य का कारण बन गया। नमी राजसी राजा थे और वेदना शरीर में दाह ज्वर था, पाप का उदय था। घटना कुछ भी बना लेकिन पुण्य का कारण बन गया। गौतम बुद्ध दीक्षित हुए, कारण क्या बना? रोगी वृद्ध और मृतक शव को देखा तो अब ये देखा और वही चीज उनके पुण्य का कारण बन गया, यानी वो दीक्षित हो गए। तो किसी की मृत्यु देख अनित्यता का बोध होना, तो विशेषावश्यक भाष्य में चौभंगी की भी चर्चा आती है। पुण्यानुबंधी पुण्य, देखिए उदय पुण्य का है और बंध भी पुण्य का करता है। भरत चक्रवर्ती, यहाँ भी उन्होंने पुण्य का सुख भोगा और आगे भी मोक्ष में चले गए। पुण्यानुबंधी पाप, ये चार चीज को सुनना समझना बहुत जरूरी है। दूसरा है अपना पुण्यानुबंधी पाप, उदय पुण्य का है लेकिन बंध व्यक्ति पाप का कर लेता है। ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती, चक्रवर्ती था, सुख सुविधाएं अंबार थी, पुण्य का उदय था लेकिन बंध उन्होंने पाप का कर लिया, सातवीं नरक में चले गए। पापानुबंधी पुण्य, उदय तो पाप का है, बंध पुण्य का कर लेता है। चंड कौशिक सर्प, पाप का उदय था, आठवीं देवलोक में चले गए, अपने भाव को सीमित कर लिया। पापानुबंधी पाप, उदय पाप का बंध भी पाप का करता रहता है, यहाँ भी दुख और आगे जा करके भी दुख भोगता है। तीव्र आसक्ति से तंदुल मत्स्य मर करके सातवीं नरक जाता है। काल सौकरिक, यहाँ बाप भी पाप का उदय कसाई था, मर करके भी पापों का अर्जन। बहुत बार चर्चा करते हैं पुण्य हेय है या उपादेय, पिछली बार एक दो प्रश्न भी आए थे। पुण्य छोड़ने योग्य है या ग्रहण करने योग्य है। पुण्य व्यक्ति को भौतिक सुख सुविधा देता है, ठीक है, भौतिक सुख सुविधा देता है। तो सुविधा देने वाला ये बंधन है। अध्यात्म के दृष्टि सुविधा जो भी दे रहा है, सुविधाओं में आप बंध जाते हैं, तो सुविधा देने वाला बंधन ही है। तो अध्यात्म के दृष्टि से पुण्य बंधन जितने भी हैं, क्योंकि वो मोक्ष तक नहीं ले, मोक्ष में बाधक ही बनेंगे, तो जो मोक्ष का बाधक है वो छोड़ने योग्य ही है। और जहां तक मोक्ष की बात करते हैं, मोक्ष प्राप्ति में पुण्य साधक कभी नहीं बनता, वो बाधक ही है, क्योंकि पुण्य स्वयं बंधन है और बंध मोक्ष का साधन हो नहीं सकता। तो मोक्ष मनुष्य, कई लोग बोलते हैं जो मनुष्य शरीर से ही तो जीव मोक्ष जाएगा, और मनुष्य शरीर व्यक्ति को पुण्य से मिलता है, तो हम पुण्य को बाधक क्यों कह रहे हैं? देखिए, व्यक्ति को नरक ले जाता है, कौन ले जाता है? इसी शरीर से वो सातवीं नरक तक का बंध कर लेता है। एक एंगल से नहीं देखना है कि भी मोक्ष भी मनुष्य भाव से प्राप्ति होती है, लेकिन सातवीं नरक भी व्यक्ति इसी मनुष्य शरीर से ही जाता है। तो उस एंगल से देखें तो ये शरीर की अपेक्षा यदि ले रहे हैं तो नरक भी यही ले जाने वाला है। दूसरी बात, पुण्य का हे या उपादेय की बात कर रहे हैं हम। समुद्र में एक किनारे से दूसरे किनारे में जाना है, जाने में निमित्त बनता है नौका, लेकिन नौका पहुंचने के बाद नौका को छोड़ना ही होता है। कोई समझदार उसको पकड़ के नहीं रखेगा, इतने बड़े समुद्र को तिराने में यही मुझे सहयोग दिया है, ऐसे कैसे छोड़ूं? कोई ऐसा समझदार उसको पकड़ के नहीं रखता है। तो अब रही बात, भावों को प्रशस्त और व्यक्ति को शुभ बनाना चाहिए। एक्सट्रीम ध्यान जहां जहां करेंगे हम, जहां पुण्य है की बात कर रहे हैं, तो फिर पुण्य का अर्जन क्यों करें? जहां देखिए मन वचन काया की प्रवृत्ति जहां कम होगी, वहां निर्जरा अधिक होगी, पुण्य कम होगा।
निर्जरा अधिक और पुण्य कम, जिन कल्पी साधु होते हैं। इतनी निर्जरा उनकी होती है, अभवी अभवी है, आचार्य है, 21 देवलों तक जाता है। जबकि जिन कल्पी साधु, उसकी साधना का आपको प्रोसेस भी बताएंगे, इतना एक्सट्रीम ध्यान करता है, निर्जरा उसकी अधिक होती है, पुण्य कम होता है, 8वें देवलोक तक ही जाता है, उससे आगे वो जा नहीं सकता। तो निर्जरा के समय पुण्य का बंध कब हो रहा है? जिस समय निर्जरा हो रही है, आत्मा के प्रदेशों में हलन चलन होता है। तो हलन चलन के समय सहचर नाम कर्म का उदय होने से वह आश्रय पुण्य का होता है। आश्रय यानी जो खींच रहा है, ग्रहण कर रहा है, पुण्य का ही होता है। और पुण्य अपन जो 8 स्पर्श बोलते हैं, पुण्य चतुष्पर्शी कर्म है। और संसार भ्रमण सिर्फ पाप से नहीं होता है, संसार भ्रमण का कारण ये दोनों बनते हैं। पुण्य भी संसार भ्रमण का कारण है, तो पाप भी संसार भ्रमण का कारण है। इसलिए आचार्य भिक्षु ने कहा, पुण्य की वांछा तो करनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि पुण्य स्वयं बंधन है, इसलिए उसकी इच्छा बंधन का ही कारण बनता है। तो आज हम ये थोड़ी सी पुण्य की अभी चर्चा की है, और अभी जिनको भी पुण्य से संबंधित या और भी कुछ पूछना है तो आप अभी 10 मिनट प्रश्न पूछ सकते हैं। एक और शायद कुछ आप लोगों को जो भी अपने व्यवस्थापक हैं, कुछ शायद प्रश्न भी पूछे हैं, उनका भी आप जवाब आप लोग दे सकते हैं। ओम अरहम। हाँ, टेस्ट में ही सबको जो लिख के जवाब देना है, और जिनको भी प्रश्न आदि है तो अभी आप लोगों के पास 10 मिनट का समय है। समीर जी, मैं सबको अनम्यूट कर दूं अभी, आप ये मंगल पाठ करेंगे पहले, आप पाठ कर सकते हैं। अगर किसी को प्रश्न है तो अपने आप को अनम्यूट करके पूछ लीजिए। वंदामी, मैं पूछ रही थी, वंदामी नमन स्वामी, मैं पूछ रही थी, जो आपने गौतम बुद्ध का नाम बोला, तो गौतम बुद्ध भी मोक्ष गए हैं क्या? वंदामी, नहीं, बात हम ये नहीं कर रहे हैं, उन्होंने घर छोड़ के जो दीक्षा ली, वो स्टोरी मुझे पता है, मैं खाली अपने नॉलेज के लिए पूछ रही हूँ, क्या वो भी मोक्ष गए थे, ऐसा कुछ मेंशन है अपने में? कहीं उल्लेख नहीं आता है, जैसे राम हनुमान इन सब के लिए मोक्ष की बात का उल्लेख है, गौतम बुद्ध के मोक्ष की बात का ऐसे कहीं उल्लेख नहीं है, जो मेरे जहाँ तक पढ़ने में ध्यान में बताया नहीं है। भाई, मैंने भी कभी पढ़ा नहीं, तो ऐसे मन में आया कि पूछ लूं। ठीक है वंदा। शमनी जी, एक क्वेश्चन है कि ये अपन कहते हैं कि जैसे मेघ कुमार ने खरगोश को स्थान दिया तो उनका मोक्ष का द्वार खुल गया, और इस तरह से देखें तो ये एक तरह की खाली व्यवहारिक अनुकंपा थी, और हम बात कर रहे हैं खाली सम्यक्ति को, जो हम दान करते हैं उससे ही मोक्ष का द्वार खुलता है। देखो, यहाँ यहाँ दो बात है, हाथी ने पांव को नहीं रखा, ठीक है, मेरे निमित्त बेचारा मर जाएगा, मेरे निमित्त, मैं अपने आप को पाप से भारी क्यों बनाऊं? कोई जीव जी रहा है, मर रहा है, उसके प्रति राग द्वेष नहीं, मेरे कारण किसी को कष्ट न पहुंचे, ये जो भाव है ये व्यक्ति का निर्वध्य अनुकंपा है, और ये निर्जरा का कारण बनता है। तो अभी जैसे हम वायरस के टाइम पे अगर किसी, सुनिए कुसुम जी, जो अपन मनुष्य बंध के 4 जो कारण बोलते हैं, दया का भाव होना, तो जिस समय दया बोल रही है उस समय व्यक्ति और उस समय इसका बंध हो रहा है तो मनुष्य का इससे बंध करेगा, तो सम्यक्त्व की प्राप्ति भी की और साथ में मनुष्य का बंध भी किया। तो अभी जैसे वायरस के टाइम पे अगर हम खाना बांट रहे हैं, लोग ये कर रहे हैं, तो वो एक दया ही है, वो किसी को जानते तो है नहीं, तो हम रात तो कर नहीं रहे। सुनिए, एक हुआ कि आप बेचारा मर रहे हैं, देखो आपके भीतर क्या आ रहा है, आपके भीतर राग का भाव आ रहा है, बेचारे मर रहे हैं। अब आप इसको ऐसे देख सकते हैं, एक साधु को भी देते हैं आप,
साधु को देते हैं वहाँ उत्कृष्ट भाव रहता है, अहो भाव रहता है, वहाँ क्या का भाव नहीं रहता। साधु को जो गोचरी कराते हैं उत्कृष्ट भाव रहता है कि मेरे से भी कुछ व्रत निभे, और वहाँ जो सांसारिक व्यक्ति के लिए वहाँ बेचारा दुखी है, तो ये हुआ राग का भाव। जहाँ जहाँ राग है वहाँ वहाँ सहयोग हो सकता है, लेकिन धर्म या कहेंगे हम। तो वंदा में ये अनुकंपा नहीं होगी? अनुकंपा दो प्रकार की है, सावध्य भी और निर्वध्य भी। हाँ, तो मतलब अगर ये जो जैसे अभी कुसुम जी ने कहा कि वायरस के कारण अगर खाना किसी को दे रहे हैं और हमको दया आ रही है उसके ऊपर क्योंकि उसकी स्थिति नहीं है। मधुमिता जी ठीक है, कोई भी दुखी है तो दुखी के प्रति जो संवेदना है ना आपके राग, मतलब एक बोलते ना व्यक्ति का आहा बेचारा, वो बेचारे के भाव से दे रहे हैं कि बेचारा दुखी है, चलो हमारे तरफ से कुछ सहयोग हो जाए। तो इसका फिर अगर हम मेघ कुमार की जो वो है घटना है उसके साथ कनेक्ट करेंगे तो मेघ मतलब वो उसको तो ऐसा सोच सकता कि हाथी के उस हाथी ने सोचा मेरे कारण क्यों हिंसा हो, मैं अपनी आत्मा को भारी क्यों बनाऊं। ये तो मतलब कुछ ना करना वर्सेस कुछ करना, ये कि मतलब मैं ऐसा करूं कि हिंसा हो वो अलग हो। जहां जहां राग भाव बोल रहा है वहां वहां पाप है। तो मेघ कुमार को राग ही आया था कि ये कहीं बेचारा मर नहीं जाए। अच्छा एक बात, मेघ को राग भाव आया था, अब अपन को तो पता नहीं जो अपन पढ़ रहे हैं ठीक है कि मेघ निमित्त ये मर जाएगा। दो बात, मैं क्यों मारूं, मर रहा है वहाँ ठीक है, वो जीव अपने आयुष से मर रहा है और अपने आयुष से ही जी रहा है, मैं क्यों हिंसा भागीदार बनूं, वहाँ हम अपने आप को बचा रहे हैं, वहाँ जीव को नहीं बचा रहे हैं। अच्छा कि मतलब मुझे मारना नहीं है वो नहीं, और मुझे किसी को मतलब सावध्य मतलब जो अपने एक आप रोक, एक भिखारी बाहर है, एक भिखारी बाहर है और भूखा ठीक है, आपने जा करके उसको रोटी दी, इसलिए बेचारा तड़प रहा है, कोई तो रोटी देगा, चलो मैं दे दूं ठीक है। और एक आपकी गाड़ी के नीचे से अरे अरे मेरे से पाप न, तो मेरे से पाप न हो, हम अपनी आत्मा को बचा रहे हैं। तो ये अनुकंपा अपने प्रति हो गई, अपनी आत्मा के प्रति हो गई अनुकंपा। अनुकंपा अपने प्रति, हमारे तरफ किसी को कष्ट ना पहुंचे। अच्छा भी अगर हम लोग ऐसे दान वगैरह करें तो हमें कैसी भावना से रखनी चाहिए, अगर क्योंकि लौकिक लोक में है तो समाज में है तो ये कार्य सामाजिक कार्य करते हैं, बट सुनो सुनो सुनो, आप 2 रुपया दे रहे चार 10 दे रहे हो तो 1000 दो, लेकिन धर्म मान के मत दो, बस करता भाव नहीं हो। शम्मी जी फिर तो इसका इतना कोई मतलब नहीं कि हमारा ही भाव भ्रमण बढ़ रहा है इससे। तो एक बात सुनिए, कौन वंदना जी बोले, अभी कौन बोल रहे हैं? वेता बोली शम्मी जी। अच्छा जी मेरी बात सुनिए, यदि आप भाव भ्रमण बढ़ रहा है, संसार का हर क्रिया भले को पालन पोषण कर रहे हैं, भले पति का कर रहे हैं, भले हर क्या संसार वर्धन का ही कारण बन रहा है, क्या करो छोड़ दोगे? आपकी आशीर्वाद हो तो। सारा संसारिक क्रिया सब बंधन ही है और संसार को ही बढ़ा रहा है। श्रमणी जी विचार ही कुछ मतलब पुण्य के बारे में कुछ और सोचते थे और कुछ और आज समझ आया है। बस समझने के लिए तो अपन ज्ञान चर्चा करते हैं। कि ये जो आपने बताया कि जब हम नाम कर्म का उदय से जो बंद होता है, जहाँ मोहनी कर्म मोहनी जब जुड़ जाता है तो रागात्मक आपने कुछ बताया वो समझ नहीं आया। अच्छा, जहाँ जहाँ कर्म का उदय है, उदय के साथ बंधन जुड़ा हुआ है ठीक है, तो
अपन जो मन वचन काया की प्रवृत्ति करते हैं वो नाम कर्म का उदय है। शरीर मिलता है हमको नाम कर्म से, नाम कर्म से शरीर मिलता है। तीर्थंकरों के केवलियों के भी शरीर है, उनके 13वें गुण स्थान तक बंधन होता है क्योंकि मन वचन काया की प्रवृत्ति चालू है, लेकिन उनका सिर्फ शुभ का बंधन होता है। हमारी प्रवृत्ति को अशुभ कौन बनाता है? मोहनी कर्म। जब कसा होता है तो प्रवृत्ति अशुभ हो जाते, राग द्वेष जुड़ता है तो प्रवृत्ति अशुभ हो जाते हैं। तो मैंने कहा जहाँ जहाँ मोहनी जुड़ता है वहाँ वहाँ व्यक्ति की प्रवृत्ति अशुभ हो जाती है, और जहाँ जहाँ मोहनी नहीं जुड़ता वहाँ प्रवृत्ति शुभ हो जाती है। तो मोहनी जुड़ा तो पाप का बंद हुआ, और मोहनी नहीं जुड़ा, मोहनी कर्म का क्षय क्षोभम हो रहा है, तो वहाँ वहाँ का बंद हो रहा है। बंद तो हो रहा है क्योंकि नाम कर्म का उदय भाव है। जी, लेकिन जो जो कर्मों का उदय जब होता है तो 7 कर्मों के उदय में पाप कर्म नहीं होता है, लेकिन उस उदय के अंदर राग द्वेष हुआ तो पाप कर्म होगा। नहीं नहीं नहीं, मेरी बात सुनो, चार कर्म तो एकांत पाप ही है, उनका उदय भी पाप ही है, जो घाती है। हाँ, घाती कर्म का उदय भी पाप है, बंद भी सब पाप ही है। वंदामी, इसमें जैसे ज्ञानावरणीय कर्म का उदय, यदि कि जो हम दान की बात कर रहे हैं किसी को भी, इसमें हमारे भाव विशेष होने चाहिए। भाव क्या है समय दान देने के लिए? अगर हमारा निर्भाव से हम दान दे रहे हैं किसी को तो वो पाप का कारण क्यों बनेगा? हाँ, हमारे भीतर न राग है न द्वेष है, पाप कहाँ कहाँ है? जहाँ जहाँ राग और द्वेष है। राग और द्वेष है। और दूसरी बात, आप राग और द्वेष इतना जीना है, इतना महीन है, पता नहीं चल पाता। और सेकंड जो बात अपन जो कर रहे हैं, संसारिक को किसी को भी जो भी दे रहे हैं वो संसार की ही अनुमोदना कर रहे हैं, संसार की बढ़ाने की बात सोच रहे हैं। वंदामी, धर्म स्थान पे जो दान देते हैं, हाँ, धार्मिक संस्था में धर्म के काम के लिए, वो पुण्य का कारण है या नहीं? अगर उसमें कोई नाम ख्याति का भाव नहीं हो, और तो उस समय की जो अनासक्ति है, अनासक्ति राग न द्वेष और उत्कृष्ट अनासक्ति है, तो जो आपने विसर्जन किया, त्याग किया, तो वो त्याग का धर्म तो है ही, और जिस हेतु से दिया वो भी मायने रखता है। हाँ, इस पर्पस के लिए दिया नहीं, धर्म क्रिया की, देखो धर्म क्रिया होगी बाद में होगी, लेकिन आरंभ समारंभ जहाँ भी है वहां हम एकदम से तो उसको धर्म की कोटि में कैसे ले? जो मकान बनने में जो आरंभ समारंभ होगा तो वो तो पाप का ही कारण बनेगा। वंदा में बहुत से लोग जो जीव दया के लिए दान देते हैं कि भाई पशुओं को बचाने के लिए है कि वो कत्ल खाने में जा रहा है तो इतना पैसा देंगे तो उसको छुड़ा के लेके आएंगे, तो उसमें उसको आज 1000 रुपया दिया, 10 पशुओं को छुड़ाया, ठीक है, लेकिन उस 1000 से तो और उसके पाप को प्रोत्साहन मिल रहा है, उसका लोभ बढ़ रहा है, उसने त्याग उसने छोड़ दिया उसको, लेकिन वो और 1000 पशुओं को खरीद करके उस 10,000 से वो तो और मार रहा है। बरोबर, बल प्रयोग धर्म नहीं है, हृदय परिवर्तन धर्म है। पैसा दे करके किसी चीज को छुड़ा रहे हैं वो बल प्रयोग है, हृदय परिवर्तन नहीं है। बराबर। वंदावी नमस्ते समरी जी, मेरा क्वेश्चन है, आप मोहनीय कर्म और वेदनीय कर्म का एग्जांपल दीजिएगा। हाँ, अभी अभी देना, ऐसे पूछ रहे हैं अभी या जब कर्म की बात करेंगे तब? अब आपको जब चाहे तब, अभी दे तो अच्छा है।
नहीं प्रश्न क्या है बोलिए वापस, वेदनी और मोहनी का और वेदनीय कर्म का एग्जाम्पल, मोहनीय कर्म और वेदनीय कर्म का एग्जाम्पल। वो जो बोलते हैं मोहनी कर्म मधुलिप्त तलवार के, वेदनी जो कर्म है मधुलिप्त तलवार के धार के समान है। जैसे तलवार का धार होता है उसमें शहद लगा देते हैं तो चाटने में व्यक्ति को मीठा लगता है, लेकिन उसके बाद जीभ कट जाती है। तो मीठा लगने के समान तो साता वेदनी और जीभ कटने के समान असाता वेदनी। मोहनी का अपन देते हैं मदिरा पान करता है तो वो व्यक्ति शराब पीने के बाद होश में नहीं रहता, तो वैसे ही मोहनी कर्म का जब उदय होता है तो व्यक्ति अपना भान विवेक भूल जाता है, उसको मोहनी कर्म का उदय बोलते हैं। वंदा मिस समझी। मैं एक बात सबको प्रैक्टिकल एक ध्यान देने की है, चाहे घर का कोई भी सदस्य, सबका अपना अपना कर्म का उदय है। कोई कुछ भी करता है उसके प्रति न राग भाव लाओ न द्वेष भाव लाओ, इतना ही सोचो जैसे मरीज के प्रति कितनी दया का भाव रखते हैं, बेचारा मरीज है। तो कर्म का उदय अपने आप में बहुत बड़ा मरीज है, तो उस समय राग उसका तो उदय भाव है ही, उसके प्रति जो राग द्वेष होता है उसे हम अपने कर्म को और खराब करते हैं। वंदामी नमन स्वामी समझ। हाँ शमनी जी आपने बताया कि नाम कर्म के उदय से जीव प्रवृत्ति प्रवृत्ति करता है, तो तीनों प्रवृत्ति उसमें आ जाती है मन वचन काया। मन वचन काया तीनों ही नाम कर्म का उदय भाव है। अच्छा समझी जी, कौन से नामकरण के उदय से, मतलब नामकरण तो बहुत से हैं। नहीं, नामकरण में मनुष्य गति नामकरण जो है तो वो मन वचन काया की प्रवृत्ति मनुष्य गति नामकरण से ही व्यक्ति को मिले। अच्छा वृंदावन समझी जी। हाँ समझी जी, एक और जैसे जैसे हम लोग ये कभी कभी क्या होता है शमनी जी, जैसे घर में चींटी, जैसे एग्जांपल ले रहा हूँ मैं, घर में चींटी आई और मैंने उस चींटी को देखा और मैंने उस चींटी को सावधानी से पूंजनी से उठाया या पेपर से उठाया और उसको बाहर छोड़ दिया। अब शास्त्र में ऐसा वर्णन आता है कि उस चीट मैंने, मैं तो निमित्त मात्र हूँ लेकिन चीटी का आयुष बल था, इसीलिए मेरे मन के अंदर ऐसे विचार आए कि मैं उसको उठा करके दूसरी जगह सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दूं। तो उसके अंदर अगर मेरे में ये भाव आ जाता है, यूजुअली हमें भाव क्या आता है कि मैंने बचाया, लेकिन मैंने नहीं बचाया, वो भाव जो था मैं निमित्त मात्र हूं, वो उसके आयुष कर्म का प्रभाव है। जैसे मैंने किसी को भोजन दिया तो उसके उसके शुदावेदनीय कर्म का अच्छा उदय, इसके लिए मेरे मन में भाव आया कि मैं उसको दे दूं, लेकिन हमारे मन में कर्तव्य भाव आ जाता है कि मैंने किया। तो वो जो भाव आता है वो हमेशा चेतन मन और अवचेतन मन आता ही है, तो उसको कैसे अपन प्रशस्त कर सकें कि मेरे मन में वो भाव नहीं आए, कर्तव्य भाव। देखो सबसे पहले तो किसके जीव अपने आयुष्य से जीता अपने आयुष्य से मरता है, लेकिन अपन जो बोलते हैं सोपक्रम और निरुपक्रम या अपवर्तनी और अनपवर्तनी, तो निमित्त से भी सामने वाला मर तो सकता है। थोड़ा बहुत शुभ का उदय था इसलिए आपके मन में ऐसा भाव आया, या आपका मोहनी कर्म का क्षोभसम भाव था, दोनों चीज हो सकता है। रही बात कि हम क्यों सोच रहे हैं कि मैंने कुछ बचाया, हम इतना ही सोचें कि मैंने अपने आत्मा को पाप से बचाया। अभी हमने जो सात वेदनी के बंध की बात कर रहे थे, जीवों को कष्ट नहीं पहुंचाना, जहां जहां दिख रहा है कि हाँ पांव के नीचे चींटी है, चींटी है, वहां सावधानी से चलना, वो अपने साता वेदनी का बंध हुआ। जहां जहां प्रमाद है वहां वहां हिंसा है, जहां जहां प्रमाद हिंसा और वो बंधन है, और जहां जहां अप्रमाद है वो निर्जरा का कारण है। तो जहां जहां ये निमित्त है कि हाँ अभी आप बिस्तर लगा रहे हैं,
आप वहां सावधानी रख रहे हैं कि कोई जीव ना आ जाए, ये सावधानी ही आपके साथ रीजनी का बंद हो रहा है, यानी कर्मों की निर्दया हो रही है। तो यतना पूर्वक मैं का भाव तो ऐसे भी नहीं आना चाहिए, मैंने कुछ किया, अपने अपने मैंने अपने आत्मा को पाप से बचाया, बस इतना ही रखना चाहिए कि मैं अपने आप को कहां कहां बचा सकता हूं। अच्छा अच्छा हाँ, तो क्योंकि आज आप सीढ़ी को बचा दिए, वो सीढ़ी तो उस फाइल से पूरा हुआ, दो मिनट में वो तो चल बसी, तो आपका बचा कहां तक सार्थक हुआ, इतना ही सार्थक हुआ आपने अपने आत्मा को पाप से बचाया। परंतु शमनी जी, जब भी हम ऐसा करते हैं या फिर किसी को जैसे 10 रुपए दे दिए या 50-10 डॉलर दे दिए किसी के यहाँ, तो क्या होता मन में एक है ना, एक एक वैसा होता है हाँ भाई कुछ किया, तो यू नो वो शुद्ध भाव जो आता है, लेकिन उससे वो भाव भी नहीं आना जो पुण्य का कारण है। बात सुनो, कुछ किया जो भाव आ गया वो तो राग भाव आ गया, वो राग तो आपने वो दिया कहाँ, वो तो देने के बाद कोई विकल्प, क्योंकि आपका होता व्यक्ति सब कुछ छोड़ के जाता है, आपका होता तो साथ में जब इस यहाँ जन्म लिए तब उस चीज को लेके आते, तो आपका तो time. तो जो भी है ये बाहरी पुद्गल है, तो पुद्गल है और वही सब कुछ होता तो आज तीर्थंकर इतना सब वैभव या जो बड़े बड़े राजा महाराजा सब चीज छोड़ करके वो दीक्षित क्यों होते। और भगवान ने जो श्रावक के 3 मनोरथ कहे हैं, पहला मनोरथ क्या है, कब आएगा वह धन्य दिवस जब अपरिग्रही बनूंगा मैं, तो परिग्रह को तो छोड़ने की बात कही गई है, तो मेरी आवश्यकता से मेरे पास ज्यादा है, ठीक है मेरा विसर्जन करता हूँ, तो उसके प्रति जो अनासक्ति का भाव है वो निद्रा का कारण बना, मैंने किसी का कुछ किया वो तो राग भाव आ गया आपके। हाँ, वो तो राग में आ गया, वो तो इतना सा स्पष्ट रखो, जहां जहां राग और द्वेष वहां वहां बंधन, राग और द्वेष खुद पाप है जी। नहीं शमनी जी, क्लियरिफाई हो गया। आई थिंक वो जो भाव आता है शमनी जी, कुछ करने के बाद में हमने किया, दैट मींस अभी हमारा सम्यक चालू नहीं हुआ, अभी हम वहीं घूम रहे हैं, वो अच्छा लगता है। हाँ, आत्मा के लिए, आत्मा की बात सोचो कि आज समय क्यों, मेरे उत्कृष्ट निर्द्रा का भाव आज ध्यान अच्छा लगा, आत्मा के लिए कुछ कर रहे हैं वहां व्यक्ति के भाव आए, बाहरी संसारिक तो ठीक है अच्छा है, कोई मेरे निमित्त घर का भी पालन पोषण कर रहा हूँ, इतने जनों का कर रहा हूँ, ठीक है किसी और का भी कर दिया जी, जी। अच्छा वंदामी, आपने एक बोला, अगर मानिए कोई है और हम मतलब द्वेष का भी भाव हमारा आता है, जैसे कि हमें सोचना चाहिए अपने अपने कर्म है, ऐसे आपने अभी बताया कि उनके अपने कर्म है, हम उनको वैसे लें, हमारे मन से नहीं लाए, तो अगर ऐसी फीलिंग आ रही हमें क्या ऐसे मतलब मंत्र करना चाहिए कि हमें जैसे बच्चे के प्रति भी ज्यादा राग ना आए, या कोई परिवार में उसके प्रति ज्यादा राग या द्वेष ना आए, कुछ मंत्र या कुछ वैसा, क्या क्या थिंकिंग प्रोसेस रखें? अच्छा, तो काय उत्सर्ग का प्रयोग, ध्यान का प्रयोग, दीर्घ श्वास का प्रयोग, इसे ऑटोमेटिक अपना मोहनी का क्षय क्षोभ होता जाएगा, और जितना जितना वो क्षक्षम होगा, ये जो 12 निद्रा के भेद कहे हैं, जिन जो जो भी निमित्त बल, जो जो भी हम कर सकते हैं उन पर एफर्ट्स करना चाहिए, तो हम ये 4 जो ध्यान समझ रहे हैं, अर्थ रौद्र धर्म शुक्ल, तो अर्थ और रौद्र जो जो भी, अरे ये अर्थ ध्यान नहीं, नहीं मुझे अर्थ ध्यान नहीं करना है, मोहनी कर्म का उदय है, व्यक्ति प्रवृत्त हो सकता है, कदम बढ़ सकते हैं, तुरंत विवेक को जगाए नहीं ये मुझे नहीं करना, जहां जहां भी सांसारिक चीजों को देख के बहुत खुश हो रहे हैं, अब बच्चे को देख करके अरे इतना, ये परिवार को देख करके बस ये मेरा राग भाव है, इसे मुझे अपने आप को हटाना है, हर चीज में जो जो पता चल जाए ये आर्थ रौद्र है, इसका मतलब वो धर्म नहीं है, तो अपने आप को उनसे बचाना ही धर्म ध्यान में जाना। शमनी जी, एक ऐसा भी सुना है कि जैसे हम किसी को कपड़े देते हैं, अपने कपड़े दिए या हाउस होल्ड का कोई भी सामान दिया, उसके बाद हम उसको वो सिरा दें तो उस पाप क्रिया से हम छूट जाते हैं, ये उपयुक्त है? आसक्ति छूटनी वो सिरा में तो ठीक है, देखो शब्द बोले अच्छी बात है, तो ऐसे तो देखें अपन, वो सिरा में शब्द तो बोल देना चाहिए, बढ़िया है,
हमारी आसक्ति छूटी जब ही हमने दिया और ऊपर से फिर बोसी रामी भी बोल दिया तो हम उससे अलग हो गए उस पाप क्रिया से। हाँ, मन से उसके साथ हम ऐसे नहीं है तो काफी हद तक आप अलग हो गए। ओके, तो ये वर्ड हेल्प करता है मतलब उसके बाद। हाँ, मन से छूट जाना चाहिए, शब्द से। हाँ, बराबर बराबर। ओके जी, तो मन से छोड़ना सीखे हम। बराबर, रसगुल्ला का त्याग किया, बार बार सोचते हैं मैंने रसगुल्ला त्याग किया, अरे दो दिन बाद त्याग करना था, आज तो आने वाला है, और बंद रहे। हाँ, पश्चाताप नहीं करने का। रिकॉर्ड नहीं हो सकता है क्या? रिकॉर्ड नहीं है क्या रिकॉर्डिंग में? कृतज्ञ। लगाओ कोई आया कि ये हम लोग से मर्ड। आप अनम्यूट है तो आपकी आवाज आ रही है। शमनी, जैसे अगर कोई कॉकरोच घर में जा रहा है और हम लोग सोचते हैं कि वो हम लोग से मर ना जाए इसलिए उसको बाहर रखते हैं, तो हमारे भाव तो शुभ है, लेकिन अगर हम लोग उसको सावधानी से भी बाहर रखते हैं उसके तो थोड़ा सा मतलब ऐसा होता ही है। तो देखो, एक बात सुनिए, आप लोग जो बोलते हैं, आप लोग यानी जो प्रतिक्रमण में बोला जाता है, इच्छामि परिक्रमी इरिया वैया विराहणाय गमना गमने पाणक कमणे बियक कमणे हरियक कमणे ओसा उत्तिंग पणक तक मट्टी मकड़ा, यानी मैंने उनकी दिशा को बदली हो, जीवों की जो दिशा को बदली हो वो भी पाप का कारण है। चलते वक्त सिर्फ वो पूर्व की तरफ चल रहा है, आपने उसको पश्चिम की तरफ कर दिया तो भी वो पाप का कारण है। तो उस केस में हम लोग के असाता वेदनीय कर्म बंधेगा क्योंकि उसको असाता दिए, उसको असाता तो दे रहे हैं, लेकिन बात यह है कि वहां भाव का ही काम होगा। भाव क्या है आपका कि मेरे पैर से मर न जाए, उसको कष्ट, कोई चीज उसके ऊपर रखा न जाए, तो भाव आपके यही है कि नहीं वो मतलब अनावश्यक मैं हिंसा की भागीदार न तो घर में है तो वैसे तो आप ऐसे नहीं कि आप घर से बाहर चले जाएंगे और कॉकरोच को सबको कॉकरोच का घर बना देंगे। और एक चीज है कि अगर कोई कॉकरोच को हम लोग इस भाव से बाहर रख देते हैं कि यदि एक कॉकरोच घर में है तो और 10 कॉकरोच बाहर, तो वो भी क्या हम लोग का शुभ भाव ही है? एक देखो, एक चीज ये व्यवहार है आपको करना पड़ेगा, लेकिन आज घर से बाहर आप कर रहे हैं तो बाहर आपको कष्ट तो होगा, हो सकता है कि आप के साथ ही वो गर्मी के कारण बारिश के कारण वो चल भी बसा जो भी हुआ। मूल बातें यहाँ, इसमें बहुत ज्यादा मत जाओ, जो आपका विवेक उस समय बोले उस समय कर लो। मन में आपके क्या भाव है कि अनावश्यक उसकी हिंसा ना हो या हिंसा हो तो और अधिक ना हो, यदि मेरे निमित्त उसको कोई वंदामी, जैसे हम अनुकंपन बोलते हैं ना, आत्मा में कंपन हो जाए, नहीं 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 मैं पाप नहीं कर सकता। हाँ बोली वंदामी, ये पूछ रही थी, जैसे हम आप सुन रहे हैं तो हमारे ये मन में भाव आते हैं, हमारे परिवार वाले भी सुने या मतलब उनका भी ये इस तरह का, ठीक है उनका शुभ योग अभी नहीं होगा वो नहीं सुन पा रहे, उसमें हमारा दिमाग भाव से हम बहुत कश्मकश हो जाते हैं, क्यों नहीं कर रहे, किस लिए नहीं कर, तो हमारे को उस समय पाप, ये नहीं नहीं ये भी राग भाव है, ये राग आप परिवार क्यों परिवार तक बंधे हैं, मेरा परिवार सुने तो इसका मतलब मेरापन है वहाँ। हाँ, तो उसको उनका उनके भाव गड़बड़ है, उनका उद्धार हो, लेकिन ये बार बार जो अर्थ ध्यान में जाते हैं आप, हाँ एक प्रकार का अर्थ ध्यान हो गया, उसी उसी चीज का बार बार ध्यान करते रहना। मैं सोचती हूँ कि भाई आप ऋतु जी आ क्यों नहीं रहे, ऋतु जी आ क्यों नहीं रहे, ऋतु जी आ क्यों नहीं रहे, ये मेरा अर्थ ध्यान हुआ। तो उसको मैं अच्छे भावों में कैसे कर सकती हूँ, उसका क्या तरीका है? उसमें मत जाओ, मैं अपने आत्मा का कल्याण कितना कर सकती हूँ सबसे पहले ये फोकस। अगर हम ये सोचे कि हम धर्म करते हैं, अच्छा कौन बोल रहा है, मुझे आप कह रहे हैं